जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसकी चर्चा पूरे यादव समाज के अंदर हो रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसके बाद से ही लगातार यादवों की हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं। चाहे पुष्पेंद्र यादव हो, चाहे दरवेश यादव हो, चाहे जितेंद्र यादव हो, एक के बाद एक करके यादवों की हत्याएं पे हत्याएं हो रही हैं और यादवों के साथ जातिगत भेदभावपूर्ण रवैया योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने अपनी जातिवादी मानसिकता का परिचय दे दिया है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भारत माँ के दो सपूत, उत्तर प्रदेश के दो सपूत, एक आशुतोष शर्मा, दूसरे अश्विनी यादव, भारत माँ की रक्षा करते करते सीमा पर शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती थी और संवैधानिक कर्तव्य बनता था कि वो इन दोनों की सहायता करें। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। वो किस प्रकार से इन दोनों को इस देश का सपूत मान सकते थे? उनके दिमाग में तो सिर्फ गौमूत्र और गोबर भरा हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों के साथ भेदभाव किया है। सबसे पहले आप देखिए आशुतोष शर्मा के लिए योगी आदित्यनाथ क्या ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में आप साफ साफ देख सकते हैं आशुतोष शर्मा के परिवार को योगी आदित्यनाथ 50 लाख रुपए की सहायता देने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ अश्विनी यादव के लिए क्या ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अश्विनी यादव और उनके परिवार के लिए ना तो किसी प्रकार की सहायता की बात कही है और ना ही किसी को नौकरी देने की बात कही है। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन दोनों के साथ एक नज़र से देखें, लेकिन सिर्फ अपनी जातिगत मानसिकता के वजह से अश्विनी यादव के साथ इस तरह का जातिगत भेदभाव किया है। अरे भेदभाव करने से पहले एक बार सोच तो लेते कि अश्विनी यादव भारत माँ के लिए अपनी जान दी है। अश्विनी यादव ने इस देश के सभी लोगों की रक्षा करते करते सीमा पर अपनी जान गंवा दी है, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जातिगत मानसिकता भरी हुई है, जिसके वजह से आपने इतना बड़ा भेदभाव करने का काम किया है। सिर्फ इसलिए कि वो यादव जाति से आता था, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी विचारधारा का नहीं है, सिर्फ इसलिए आपको लगता है कि इस देश के सारे यादव अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप अपने राज्य के यादवों को अपने राज्य का नागरिक नहीं मानते। कितनी घटिया मानसिकता है आपकी, शर्म आती है मुझे आपको एक राज्य का मुख्यमंत्री कहते हुए। अरे आपने तो भगवा पहन रखा है, आप तो अपने आप को हिंदू मानते हैं और एक हिंदू के साथ ही इस प्रकार का जातिगत भेदभाव करते हुए आपको शर्म तक नहीं आती। दोस्तों मैं इस देश के सभी यादवों से कह देना चाहता हूं कि इन सब का हिसाब वक्त आने पर जरूर लिया जाएगा। यादव समाज यादवों के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला सही वक्त आने पर इन जैसे लोगों से लेने का काम करेगा। इसीलिए आप सभी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और हो सके तो चिलम बाबा तक पहुँचाने का भी काम कीजिए। इसको भूलना नहीं है, इसको अपने दिल में इसी तरह समाये रखना है। वक्त आने पर हम लोग ज़रूर इसका एक एक करके हिसाब लेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।